हेलो एवरीवन, आईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो बड़ी खबरें आई हैं उनके बारे में, और साथ में आपको फेडरल बैंक और विप्रो के रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, उनके बारे में भी आपको मिलने वाला है। तो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर मार्केट गया और फिर यहाँ पर गिर गया है। लेकिन गिरना तो एक्सपायरी की वजह से समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों ऊपर गया है, वो सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, वो सच में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। आप हमसे वहां पर सवाल पूछ सकते हो, उनके जवाब आपको मिलते हैं और भी न्यूज़ की अपडेट मिलती हैं, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में जाकर के डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलते हैं जो यहाँ पे न्यूज़ है उसके ऊपर। तो जो पहली न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ है बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो यहाँ पे थर्सडे यानी गुरुवार से शिफ्ट करके इसको क्या कर दिया है, वेडनेसडे को कर दिया है। अब ये वीकली एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को होगी, और मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की जैसे पहले होती थी वैसे ही अब होगी, लास्ट थर्सडे को, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानना है कि क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस प्रकार से होने वाली है, तो ये डिटेल में वीडियो बना दिया है, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे आई कार्ड सेक्शन में भी आपको दिख रहा होगा, पूरा डिटेल के अंदर ये वीडियो बनाया गया है, इसको भी आप जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो मार्केट के अंदर ऊपर गया था मार्केट, वो ये एक सिंगल न्यूज़ थी उसकी वजह से गया था। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि US की जो यहाँ पे जून की महंगाई दर है वो 4% से घट करके 3% के करीबन आ गई है, ठीक है। फोरकास्ट किया था 3.1 के करीबन, वहाँ पे आया है 3% के करीबन। इनका जो मेन टारगेट है, फाइनल इवेंचुअल टारगेट है, वो है 2% लाने का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकी जो इन्फ्लेशन है वो 7% से घट करके 3% के करीबन आ गई है। तो इससे सिंपल ये चीज़ साबित होती है कि जो फेडरल चेयरमैन है वो, या फेडरल उनका फेडरल रिजर्व है, वो क्या करेगा यहाँ पे, अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहा था उसको यहाँ पे पोज किया था पिछले बार, तो अब हो सकता है कि वो पोज करे, और फिर यहाँ पे पोज ना भी करे तो यहाँ पे 0.25, ठीक है, या 25 बेसिस पॉइंट या 5 बेसिस पॉइंट, ये एक बार से सिर्फ एक बार रेट हाइक होगा, इसके बाद में रेट हाइक नहीं होने वाला है और रेट कटिंग की सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जब तक रेट हाइक होता रहता है मार्केट सोचता रहता है कि ऊपर जाऊँ या नहीं जाऊँ, फिर बाद में न्यूज़ आती है कि अब रेट पोज होगा तो मार्केट ऊपर जाता है, फिर रेट कटिंग शुरू होती है ना तो भी यहाँ पे मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, और फिर रेट कटिंग पोज होती है ना तब मार्केट के अंदर करेक्शन शुरू होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी सिर्फ ये पोज ही हुआ है, रेट कटिंग शुरू होगी तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रेट पोज होगी तब आपको ध्यान रखना है, तब आपको सावधानी बरतनी है। तो अभी आपको नहीं डरना है, ये जो मार्केट ऊपर गया है बहुत सस्टेन होने वाला है। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलेगी। तो आपको बता दिया कि क्यों मार्केट गया है, एक्सपायरी की वजह से, सेटलमेंट होने की वजह से, जब जब मार्केट है वो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई के पास में जाता है, तो मशीन ट्रेड होने की वजह से ब्रेकआउट माना जाता है और सब लोग लॉन्ग साइड में चले जाते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट है वो नीचे आता है, और एक्सपायरी थी वैसे भी, तो यहाँ पे सिंपल उसी तरीके से नीचे आया है, कोई भी एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर गिरने वाली। तीसरी जो न्यूज़ है मैं आपको इंडिया की बता देता हूँ, इंडिया का जो डेटा है CPI का, महंगाई का, वो कल ही आ गया था, और इंडिया की इन्फ्लेशन आप देखोगे 4.58 का क्या था प्रेडिक्शन था, 4.81 के करीबन आई है, 4.31 पिछली आई थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इंडिया की इन्फ्लेशन बढ़ के आई है, तो क्या ये ज़्यादा चिंताजनक है? तो देखो यहाँ पे है तो ये थोड़े से चिंताजनक, लेकिन ये क्यों आई है इसके पीछे की वजह आपको जानना जरूरी होगा। ये जो इन्फ्लेशन बढ़ के आई है वो यहाँ पे आप देखोगे फूड से रिलेटेड जितनी भी, यहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी जो महंगाई है वो बढ़ के आई है, इस वजह से ये आई है। बाकी अदर सेक्टर के अंदर देखोगे तो ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ के आई है, तो इतना ज़्यादा इसको टेंशन में नहीं लेने की चीज़ है। ये यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी या फूड की यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्शन होगा तो ये चीज़ भी कम हो जाएगी, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा दिया कि जो यहाँ पे जून में खुदरा महंगाई दर है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इसके अंदर यहाँ पे जो कपड़े जूते चप्पल है वो भी घट के आई है, ठीक है। शहरी महंगाई दर है वो यहाँ पे 4.33% से बढ़कर के 4.9% आई है। सब्जियों की महंगाई परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आई है। बिजली में ईंधन की घट के आई है, हाउसिंग जो महंगाई है वो भी घट के आई है, लेकिन दालों की महंगाई यहाँ पे बढ़ के आई है। तो देखोगे कि आप जो कंज्यूमर खाते हैं, जो यहाँ पे
जिनको यहाँ पे खाई जाने वाली चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा यहाँ पे महंगाई बढ़ के आई है और उस वजह से ये आया है। तो ये एक जो बारिश का मौसम है, ये सीजन ही ऐसा होता है कि इसके अंदर महंगाई बढ़ती है, तो इसको ज्यादा आपको नहीं लेना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है इसकी वजह से मार्केट के अंदर, ये सही है, कोई गलत नहीं है। साथ में मई का IIP प्रोडक्शन डेटा है उसको भी आप देखोगे तो हर तरीके से यहाँ पे डिमांड है। इस डेटा को देखते हुए क्या नजर आएगा, क्योंकि आउटपुट है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कट हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है इसीलिए कट किया जा रहा है। ठीक है, क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्या उनके पास प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सब चीजें हैं, लेकिन कट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा ही ज्यादा किया गया तो वो सस्ती हो जाएंगी चीजें, तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, ये अपनी इन्फ्लेशन के लिए बहुत सही चीज है, क्योंकि लोगों के पास पैसा जेब में नहीं होगा तब डिमांड कम होती है। तो ये डेटा है वो इन्फ्लेशन को सही साबित करने वाला है, इन्फ्लेशन को कम लाने वाला है। तो आपको ये डेटा देख करके समझ में आ गया होगा कि मार्केट है इस डेटा की वजह से भी अच्छा मार्केट करेगा ऊपर की साइड में। अब एक और डेटा देखिए, ओपेक ने ऑयल डिमांड की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है, ये न्यूज़ अभी आई है। इसके अंदर आप देखोगे कि इस साल रोजाना मांग है वो 1,00,000 बैरल बढ़ाने का अनुमान किया है। अभी मांग है 24 लाख पर बैरल की यहाँ पे करीबन, और 2024 में रोजाना मांग है वो 22 लाख बैरल बढ़ाने का अनुमान है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर देखोगे कि ओपेक है वो क्या कर रहा है, ये ओपेक क्या चीज़ है, तो ये आपको बता दूं कि जो क्रूड की जो यहाँ पे एक संस्था है, क्रूड ऑयल जिसकी प्राइस रेट डिसाइड की जाती है, तो वो संस्था है और ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है, क्रूड के अंदर यहाँ पे वो बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है और क्रूड की डिमांड बढ़ने वाली है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसका सेंस ये हो रहा है कि वो प्रोडक्शन कट नहीं कर रहे हैं, कट करते हैं तो यहाँ पे ऑयल प्राइस हाइक होते, लेकिन डिमांड बढ़ने पे ये प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इसका सेंस ये हो रहा है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइस है वो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे तो नीचे जाने चाहिए, लेकिन नीचे ना भी जाएंगे तो ऊपर ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। तो ये चीज़ भी साफ हो गई कि यहाँ पे इस चीज़ से भी मार्केट को यहाँ पे डेंट नहीं लगने वाला है, ये भी सही चीज़ है। अब अपने को जो यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं विप्रो के कंपनी के, जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे एक्सेल सीट बनाई है, उसके अंदर हमने अच्छे तरीके से डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पे कि Q1 के क्यों यहाँ पे जैसे अभी करंट क्वार्टर के, पिछले क्वार्टर के और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर सेम क्वार्टर के डेटा है, और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों यहाँ पे कंपेरिजन किया है, मार्जिन्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट जो भी है सारी चीज़ें इसके अंदर लगा दी हैं। तो ये एक्सेल सीट है वो मैंने बना दी है, अब इसके हिसाब से अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे तो उसको ज़रूरी नहीं है कि इसी एक्सेल सीट पे से बताऊं, जो बनी हुई आती हैं उनके हिसाब से भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पे विप्रो के रिजल्ट्स देखोगे तो Q1 जो अभी यहां पे खत्म हुआ है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में, उसमें रेवेन्यू है वो यहां पे 2883 करोड़ बढ़ के आया है। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो यहां पे 24% बढ़ के आया है और ईयर ऑन ईयर 33% बढ़ के आया है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो -6% यानी घट के आया है नेट प्रॉफिट। तो जो भी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हैं उनको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा तवज्जो देनी है। अब देखोगे कि ये एक रिजल्ट है, सिर्फ नेट जो प्रॉफिट है वो घट के आया है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई। तो एबिटा है, एबिटा को भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एबिटा कितना हो गया है, 1,019 करोड़ रुपये करीबन आया है यहाँ पे, जो कि पिछले फोर्थ क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 450 करोड़ रुपए के करीब था। तो एबिटा है वो भी बढ़ गया है, 126% बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर 164 करोड़ रुपए बढ़ गया है। मार्जिन्स देख लो 35% है, 19% यहाँ पे पिछले क्वार्टर के अंदर, तो पिछले साल देखोगे तो 17% के करीबन थे, तो यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे आए हैं। तो इस रिजल्ट्स को यहाँ पे हर एक एंगल से देखोगे तो यहाँ पे रिजल्ट्स ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट की तरीके से देखोगे तो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे कमजोर आए हैं, क्योंकि नेट में प्रॉफिट तो होना चाहिए कंपनी को, तो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे ब्लूमबर्ग का एक्सपेक्टेड डेटा था कि इतना यहाँ पे नेट प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेड करके चल रहा था। मार्केट है तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को भी देखना होता है, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये क्या आया है, थोड़ा कमजोर यहाँ पे क्या आया है, नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम आया है। ठीक है, और जो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है उसकी बात करें, सॉरी ये डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे 1,10 कम कर दिया, तो आप लेकिन वो कैलकुलेशन है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स के अंदर देखोगे तो वो एकदम सही है, इसको आप देखिएगा, लेकिन यहाँ पे अपने जो रिजल्ट्स हैं वो विप्रो के कमजोर रिजल्ट्स बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो कम आया है।
अब चलते हैं यहाँ पे जो फेडरल बैंक है उसके रिजल्ट्स की तरफ। तो फेडरल बैंक के रिजल्ट्स भी हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है कितना मान के चल रहे थे, 770 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मान के चल रहे थे, उसके मुकाबले 854 करोड़ रुपए आया है। नेट जो एनपीए है यहाँ पे 4183 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4434 करोड़ हो गया है। नेट एनपीए है, वो ग्रोस एनपीए था, नेट एनपीए बिना बदलाव रहा है और प्रोविजनिंग इन्होंने कर दी है। प्रोविजनिंग कितनी की है इन्होंने, 166 करोड़ रुपए से 155 करोड़ कर दी है। तो रिजल्ट्स हैं वो आप देखोगे, इसके बिल्कुल खराब रिजल्ट्स हैं फेडरल बैंक के, आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के खराब नहीं है लेकिन यहाँ पे खराब रिजल्ट्स हैं। तो ये हो गए रिजल्ट्स फेडरल बैंक के और विप्रो कंपनी के, साथ में मैंने आपको निफ्टी की जो एक्सपायरी चेंज हुई है उसके बारे में बताया है, और यहाँ पे यूएसए के सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन के बारे में, इंडिया की इन्फ्लेशन के बारे में, इंडिया के आईआईपी डेटा के बारे में आपको बताया है, महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है वो बताया है, और आज मार्केट है वो कितना ऊपर गया था, क्या सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्री में जाकर के आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।